أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو आज हमारा सबक नंबर 21 जो कि जारी और सारी है तो आगे आता है नूने कुतनी। नूने कुतनी क्या होता है ये ज़रा समझने वाली बात है, ठीक है। तनवीन के बाद हमज़ा वसली आ जाए तो वसल में हमज़ा वसली, एक होता है हमज़ा असली, दूसरा होता है हमज़ा वसली। हमज़ा असली जो कि लिखा होता है अलिफ बा ता सा में जो आखिर में लिखा हुआ है वो हमज़ा असली है, लेकिन अगर अलिफ के ऊपर कोई हरकत लगा कर जो हमज़ा बनता है वो हमज़ा वसली होता है, ठीक है। तो वसल में यानी मिला कर पढ़ने की सूरत में हमज़ा वसली को गिराते हुए यानी कि हमज़ा वसली को उस वक्त हमने हज़फ कर देना है। तनवीन के बाद अगर हमज़ा वसली आ जाए तो ठीक है, उस वक्त हमज़ा को हमने गिरा देना है यानी हज़फ कर देना है, हटा देना है। तनवीन के नून साकिन को ज़ेर देकर, तनवीन के नून साकिन को ज़ेर देकर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है, उसे नूने कुतनी कहते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर गौर करें, ये लफ्ज़ असल में है शी बन, ठीक है, शी बन, आगे है असमाओ, शी बन असमाओ, बाकी ऊपर दो ज़बर हैं दर हकीकत में, लेकिन अब क्या हुआ है बन बा दो ज़बर बन आखिर में नून आता है ना, बा नून ज़बर बन, तो इसी तरीके से ये अब हमने बन जो किया है इसको बा ज़बर बा करेंगे और जो नून साकिन है आखिर में बन बा नून ज़बर बन, तो उस नून के नीचे हमने ज़ेर लगा देनी है। अब क्या बना है शी बा निस्सा, पहले था शी बन असमा, लेकिन जब हमने नूने कुतनी लगाया है तो बन गया है शी बनिसमा। अब नूने कुतनी वाले कलमात के हिज्जे यूं करने हैं, शीन या ज़ेर शी बा दो ज़बर बन शी बन हमज़ा सीन ज़बर अस, ठीक है, सीन ज़बर सा अस्सा, मीम अलिफ ज़बर मा अस्समा, हमज़ा पेश उ अस्समा उ, ठीक है ना। अब यहाँ पर पढ़ा है ना दो ज़बर बन, तो अब क्या हुआ है हमने इसको पूरा पढ़ देना है जो हमारा हर्फ बना है शी बनिसमा उ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।